पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अपने एजेंटों से संपर्क करने के लिए करीब 1.5 साल तक आईएसआई ने दिल्ली में बिकने वाले सिम कार्ड इस्तेमाल किए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आईएसआई ने प्रीपेड टेलीफोन सिम कार्ड का इस्तेमाल अटारी वाघा सीमा के पास से अपने जम्मू कश्मीर के एजेंटों से संपर्क के लिए किया था। राज्य में इस नंबर से फोन कॉल और व्हाट्सएप संदेश पाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि यह सिम कार्ड पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर की रोहिणी जेम्स नाम की एक महिला के नाम पर जारी किया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस सूत्र ने कहा कि लक्ष्मी नगर के पते पर इस नाम की कोई महिला भी नहीं रहती है और न ही रह रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को इस बारे में जानकारी नवंबर 2015 में देशव्यापी जासूसी रैकेट का पर्दाफाश करने के दौरान मिली। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने नवंबर दिसंबर के बीच आईएसआई के 6 एजेंटों को पकड़ा था। इनमें वायु सैनिक रंजीत के, लाइब्रेरी सहायक कफायतुल्लाह खान, सीमा सुरक्षा बल का हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद, सेना का अवकाश प्राप्त हवलदार मुनव्वर अहमद मीर, सैनिक फरीद खान और सरकारी शिक्षक साबिर शामिल है। अधिकारी ने कहा कि कफायतुल्लाह, मीर और साबर आईएसआई के सूत्रधार के संपर्क में थे जो सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था। इस सूत्रधार की पहचान फैजल के रूप में हुई है। अधिकारी ने कहा फैजल की वास्तविक पहचान भी होनी बाकी है। हम उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसने फैजल को सिम कार्ड बेचा था।